कि हर एक समाज और हर एक समुदाय के लोग आज खुश हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1950 में संविधान लिखा था, वह संविधान के अंतिम पेज पर यही अंकित था कि यह देश का पुनरुत्थान तब होगा जब देश के अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनेगा, तब इस देश का कल्याण होगा। और हमें गर्व है कि देश के सबसे अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ आदिवासी समाज की बेटी हम लोगों की, आप लोगों के सहयोग और वोट से, नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से आज सबसे बड़ा कुर्सी पर बैठी है द्रौपदी मुर्मू जी। हम चाहते हैं पूरे समाज के लोग द्रौपदी मुर्मू जी को ताली बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बेटी को हम लोगों ने सबसे बड़ा कुर्सी पर बैठाने का काम किया, जो समुदाय, जो समाज सबसे पीछे खड़ा था। अब उस समाज का भी भागीदारी बढ़ेगा, उस समाज का भी ख्याल रखा जाएगा। वह आदिवासी समाज, वह दलित समाज, वह शोषित समाज, वह वंचित समाज, वह पिछड़ा समाज और मुख्य धारा में आएगा, क्योंकि उसकी बेटी संवैधानिक प्रमुख चुनी गई है। और अब कोई भी दलित आदिवासी का अधिकार कोई माई का लाल नहीं खा सकता है। यह अधिकार नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। यह जो भाई नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए ने, हम भाजपा के सभी विधायकों ने निर्णय लिया है, क्या यह गलत है या सही है, बताइए। हम कितना लोग मन से द्रौपदी मुर्मू जी को जो हम लोग वोट दिए वो जीती है, आप लोग खुश है? तरी दोनों हाथ उठाइए तो देखे, दोनों हाथ एगो नहीं। ए लईकान तुहनी उठावा रे, ए पुत्रू, ए तुहन भाई वालों ने बैठल बड़ा जी। आई हो दादा, सब डुबा देबा, इतना मेहनत के लिए हम एक महीना। तुहन दीदी, ए बहन उठाओ, हाथों उठाओ जी। हाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से इसलिए हम यह बात को बोल रहे हैं कि जब गरीब की बेटा, गरीब की बेटी कुर्सी पर बैठता है।